बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लोगों ने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था बिज़नेस स्ट्रेटजिक प्लानिंग का, ठीक है, और हम उसमें बिज़नेस का मिशन, सॉट एनालिसिस डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और अब हम आ रहे हैं गोल फॉर्मुलेशन की तरफ। कहते हैं जी कि एक दफ़ा जब कंपनी ने सॉट एनालिसिस कर लिया, उसने देख लिया कि इंटरनली मतलब उसको कौन सा कंपटीशन है जो कि वो फेस कर रही है, या मैक्रो इकोनॉमिक क्या सिचुएशन है, इन्फ्लेशन या ऐसी कोई चीज़ें, ठीक है, या टैक्सेस या गवर्नमेंट की पॉलिसीज, ये सारी चीज़ें जो है वो एनालिसिस कर चुकी है। उसके बाद क्या होगा? अब होगा जी, अगला जो स्टेप है वो है गोल फॉर्मुलेशन का, यानी उसने अपने लिए स्पेसिफिक गोल्स जो है वो बनाने हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो अब इसमें ये हम देख रहे थे कि हमने स्पेसिफिक गोल्स जो है ना फर्म ने डिसाइड करने हैं अपने, लेकिन गोल फॉर्मुलेशन, गोल्स क्या होते हैं? गोल्स एक्चुअली होते हैं हमारे कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, यानी हमने क्या करना होता है, हम जैसे एक साल के लिए हमने गोल सेट कर लिए कि हमने इस साल में इतनी सेल्स अपनी करनी है, हमारी इतनी प्रोडक्ट सेल होनी चाहिए, अंदाजे लगाते हैं, एस्टिमेट्स, ठीक है, और हमने इस दफ़ा जो है अपनी प्रोडक्ट के अंदर ये फीचर्स लेके आने हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर उन ऑब्जेक्टिव्स को हम क्या करते हैं, मेजरेबल गोल्स बना लेते हैं, मतलब उनको टर्न कन्वर्ट कर लेते हैं मेजरेबल गोल्स में, ठीक है। यानी हम क्या करते हैं कि इससे क्या होता है कि जब हम अपने गोल्स को मेजरेबल मींस कि जिसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सके ना, ज़ाहिर है कि वो जो गोल्स है वो हवाओं में तो नहीं होने चाहिए। हम कहें कि हमने अपने कंपेटिटर्स में जो है वो यहाँ सबसे ज़्यादा सेल्स करनी है और हमारा साइज़ बहुत छोटा हो, हम छोटी सी कंपनी हो, तो ये जो गोल्स हैं ये मेजरेबल नहीं होगा हमारे लिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो हमने ऐसे गोल सेट करने हैं जो कि जिनको हम फिर चेक भी कर सकें, यानी अच्छा मेजरेबल का मतलब ये भी है कि हम फिर उसको मेजर कर सकें। यानी अगर हमने गोल सेट किया कि हमने ऑलमोस्ट इस दफ़ा 30% सेल्स इंक्रीज करनी है, तो अगली दफ़ा जो सेल्स होंगी उसको हम मेजर कर सकते हैं कि इस दफ़ा हमारी सेल्स जो है ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सेल थी उससे कितने फीसद ज़्यादा हुई, 30%, 40%, ठीक है ना, तो वो मेजरेबल हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि जब हम मेजरेबल गोल्स बना लेते हैं तो वो कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसकी प्लानिंग, उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसकी कंट्रोल में उसको हेल्प करती है। ज़ाहिर है कि जो चीज़ मेजरेबल हो जाएगी वो ईजी हो जाएगी कंपेयर करने में, इवेल्यूएट करने में, ऐसे ही होता है ना, जो चीज़ आप मेजर नहीं कर पाएंगे तो उसको आप जज भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो इफ़ेक्टिव होने के लिए गोल्स को क्या होना चाहिए, हायरार्कीली क्या होना चाहिए, अरेंज्ड होना चाहिए, यानी उनकी एक हायरार्की होनी चाहिए, यानी कि ब्रॉड से हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जाएं। पहले आप ओवरऑल गोल्स को सेट कर लें और फिर आप उनको स्पेसिफिक करते जाएं, यानी जैसे होता है ना कि स्पेशलाइजेशन की तरफ हम आते चले जाते हैं ना, कि शुरू में हम जनरल कोर्सेज पढ़ते हैं जब हम कोई डिग्री ले रहे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे साल बढ़ते रहते हैं ना तो हम क्या कहते हैं, हम उसको सेट करते चले जा रहे होते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ जो है बड़ी ही इम्पॉर्टेंट होती है। अच्छा, इसमें क्या होगा कि हायरार्कीकली, यानी कि जैसे हम डिग्री की बात कर रहे हैं कि अगर हम डिग्री का कोई लेते हैं, कोई पढ़ रहे होते हैं, तो हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आते हैं, एक हायरार्की होती है ना ये, ठीक है। नंबर टू, टू बी स्टेटेड क्वांटिटेटिवली, यानी कि क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, यानी आप उसको क्वांटिफाई कर सकें, वही दोबारा के मेजरेबल होने चाहिए, ये ना हो कि हवाओं में हो, या मतलब कि उसको आप मेजर ही ना कर सकें, मेजरेबल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर नंबर तीन कि बी रियलिस्टिक, यानी कि रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए, ये ना हो कि आप ऐसा, यानी कि आप वो बनाएं गोल के जो अचीव ही नहीं कर सकते आप, यानी ऐसी ख्वाहिशें कि जो पूरी ही नहीं हो सकती, यानी आप कहें कि मैं तो ना
आप अगर फॉर एग्जांपल मेरी हाइट अगर दरमियानी है तो मैं सोचूंगी कि मैंने जो है ना वो टॉल, पता नहीं कोई कंपटीशन होता है जिसमें टॉल फीमेल्स जो है विन करती हैं, तो मैं कहूंगी कि मैंने तो उसमें हिस्सा लेना है। तो ये एक रियलिस्टिक गोल नहीं होगा। आप ऐसे गोल्स रखें जो कि आप अचीव भी कर सकें, ठीक है। फिर फोर नंबर पे कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंट गोल्स होने चाहिए। यानी कंसिस्टेंसी क्या होती है कि आप उसको कंटिन्यू रख सकें, एक चीज़ को मेंटेन रखना बड़ा ज़रूरी होता है क्लास। यानी फॉर एग्जांपल इसी मिसाल ऐसे है कि आपने एक चीज़ ले ली, ख़रीद ली, कोई एक चीज़ है, ग्लास है शीशे का, आपने ख़रीद लिया, अब उसको संभाल के रखना, उसको मतलब उसका ख्याल रखना, उसको साफ़ सुथरा रखना, ये कंसिस्टेंसी में आ जाता है। यानी आपका बिहेवियर जो है ना कंसिस्टेंट होना चाहिए, यानी बार बार आप वो चीज़ परफॉर्म करें। यानी अच्छा, कंसिस्टेंसी का मतलब ये भी है कि आपने अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन रखना है। जैसे आप देखें एक स्टूडेंट है, वो पोजीशन होल्डर है, वो फर्स्ट पोजीशन लेता है, तो आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है कि अपनी वो पोजीशन मेंटेन रखनी है। मेंटेन रखना मुश्किल होता है ना, कि चैलेंजिंग चीज़ होती है। तो आपके जो गोल्स हैं कंपनी के, वो भी कंसिस्टेंट होने चाहिए, मतलब आप उसको जो है वो मेंटेन रख सकें, ठीक हो गया। तो अदर इम्पॉर्टेंट ट्रेड ऑफ इन सेटिंग गोल्स इंक्लूड बैलेंसिंग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट वर्सेज लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अच्छा, अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। ट्रेड ऑफ क्या होता है, यानी कि ट्रेड ऑफ मीन से कुछ नुकसान होते हैं और कुछ फ़ायदे होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब आप गोल सेट कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट भी होता है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी होती है। देखिए, आपने शॉर्ट टाइम पीरियड होता है एक साल, ठीक है, और लॉन्ग टाइम पीरियड होता है जैसे 10 साल 20 साल। अब कुछ जो डिसीजन आप ले रहे होते हैं ना, तो आपने देखना होता है कि उनका क्या ऑब्जेक्टिव है। कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं शॉर्ट टर्म और कुछ होते हैं लॉन्ग टर्म। जैसे देखें, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अच्छा, जैसे अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट और वर्सेस लॉन्ग टर्म ग्रोथ। यानी अब देखें, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जॉनसन्स, बेबी कंपनी है, मतलब बच्चों की प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है। अब उसने ना एक लोशन बनाया है, ठीक है। अब वो ना बाई चांस ऐसा हुआ कि वो जिस बैच में वो लोशन बना ना, उसमें कोई डिफेक्ट आ गया, मतलब वो प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट है, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट मार्केट में चली गई है, अब आपने डिसीजन लेना है कि क्या आपको वो बताना चाहिए था लोगों को, कि कस्टमर्स को बताना चाहिए। अब आप एक तरफ डर रहे हैं कि यार एक तरफ तो मेरे प्रॉफिट ख़त्म हो जाएंगे, और दूसरी साइड पे ये है, दूसरी साइड पे क्या है, दूसरी साइड पे है आपकी, आपका ट्रस्ट। अगर आप नहीं बताएंगे तो आपकी वो चीज़ तो बिक जाएगी, लेकिन क्या आप लॉन्ग टर्म में ग्रो कर पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि कस्टमर के माइंड में जब वो चीज़ वो यूज़ करेगा और उसको नुकसान होगा, तो वो कहेगा कि जी ओहो, ये तो बहुत गंदी कंपनी है, मतलब इसने तो बड़ी हार्मफुल सी प्रोडक्ट बना ली है। आपका इमेज ख़त्म हो जाएगा, आप आगे आपकी सेल्स नहीं होंगी और आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ये है कि जब आप गोल सेट करें तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव को भी देखें, साथ में लॉन्ग टर्म ग्रोथ को देखें, क्योंकि आपने अल्टीमेट रहना है, आपने आगे ग्रो करना है। जब तक आप ईमानदार नहीं होंगे, आप ट्रस्टवर्दी नहीं रहेंगे, आप ये काम नहीं कर सकते, ठीक हो गया। फिर दूसरी चीज़, बैलेंसिंग डीप पेनिट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग मार्केट्स विद डेवलपमेंट ऑफ न्यू मार्केट्स। के आपने फिर जब आप ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं तो आपको ये भी डिसाइड करना मुश्किल होगा कि आप जो ऑलरेडी आपकी मार्केट है, जैसे आप जॉनसन्स प्रोडक्ट्स हैं बेबी की, आप उसी में ही आगे पेनिट्रेट करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या आप किसी नई मार्केट की तरफ जा रहे हैं, कि आप फॉर एग्जांपल कोई ऐसी प्रोडक्ट भी बनाना चाहते हैं जो यंगस्टर्स के लिए हो। तो ये भी बड़ा ना बैलेंस करना इसको बड़ा मुश्किल काम होता है। फिर प्रॉफिट गोल्स और नॉन प्रॉफिट गोल्स को बैलेंस करना भी मुश्किल होता है। जैसे कुछ एक्टिविटीज़ या मेन जो कंपनीज होती हैं ना, उनका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, उसके लिए तो आप एक्टिविटीज़ करते हैं, साथ साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो कि नॉन प्रॉफिट गोल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनीज़ क्या करती हैं, आपने देखा होगा, जैसे स्कॉलरशिप ऑफ़र कर देती हैं, जैसे भी ये कुछ अर्सा पहले फेयर लवली ने वुमेन्स के लिए स्कॉलरशिप ऑफ़र की है स्टूडेंट्स के लिए, या वो स्मोकिंग के ख़िलाफ़ कोई कैंपेन वगैरह स्टार्ट कर देंगे। जैसे ये होता है, ये हमारे पास पेट्रोल पंप होते हैं, ये क्या करते हैं, ये कहते हैं जी ग्रीन एनवायरनमेंट,
कि ऐसे एक्टिविटीज़ करना कि जो नॉन प्रॉफिट हो, कि जिससे एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा हो, तो ये भी बैलेंस करना बड़ा ज़रूरी होता है। फिर बैलेंसिंग हाई ग्रोथ वर्सेस लो रिस्क, के हाई ग्रोथ, क्या आप ज़्यादा ग्रोथ की तरफ जाना चाह रहे हैं या आप लो रिस्क। देखें, ग्रोथ अगर आप करना चाहते हैं तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस में जब आप आते हैं तो आपको रिस्क लेना पड़ता है, ठीक है। तो बैलेंसिंग हाई ग्रोथ, ग्रोथ अगर ज़्यादा होगी, ठीक है, तो रिस्क अगर आप लो हो तो ये नहीं हो सकता। तो ये इसमें बैलेंस क्रिएट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखें ना, अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको डिफरेंट एक्टिविटी ऐसी करनी पड़ेंगी कि जिनका आपको पहले से पता नहीं होगा, ठीक है ना। इसी तरह से ये जो चीज़ें हैं ये गोल फॉर्मुलेशन के अंदर आ जाती हैं। आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है जब एक कंपनी अपनी गोल्स जो है वो सेट करनी है।